ये जो प्रॉब्लम है ये बाय बर्थ है, इसे आरपी कहते हैं। तो अभी तक तो इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं, तो इसीलिए इस सब को एक्सेप्ट करते हुए कि ये तो अब है जो हमारे साथ है, ये तो इसको लेके ही चलना है। मैंने पहले जो स्टार्ट जो है पढ़ाई जो है तो वो मैंने नॉर्मल स्कूल में की है, अप टू मतलब पहले से ही, मतलब चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो या हाई स्कूल हो या हायर सेकेंडरी हो। प्राइमरी स्कूल पहले मैं शाहीन पब्लिक हाई स्कूल, वो पब्लिक हाई स्कूल यहीं पे हमारा, तो वहाँ पे मैंने 10th 8th तक, तो उसके बाद अमर सिंह कॉलेज में बीए डिग्री, बैचलर ऑफ आर्ट्स रेगुलर एज ए रेगुलर कैंडिडेट। तो उसके बाद बीएड जो है वो मैंने एसएम इकबाल इंस्टीट्यूट जो है वहाँ से किया, या हुकमामा में बीएड 2012 एंड 2013 में। उसके बाद मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी एमएड किया रेगुलर एज ए रेगुलर कैंडिडेट 2014-15 में। तो उसके बाद ही सिलसिला जारी रहा, तो उसके बाद आगे बढ़ने की जो वो ज़्यादा ही बढ़ गई चाह, तो उसके बाद 16 में मैंने नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया अप्रैल 2016 में। इन द सेम ईयर अक्टूबर मई में हुआ वो कंडक्ट हो गया JKSLET, तो उसको भी मैंने क्वालिफाई किया। कभी पापा से या कभी और किसी से, मतलब सुबह वो मतलब एग्ज़ाम्स होते थे तो सुबह वो मतलब चैप्टर मतलब सुना के देते थे, तो उसी एक मतलब एक ट्रायल में मैं उसको मेमोराइज करता था, क्योंकि अल्लाह ताला की मेहरबानी है, मेमोरी पावर हमारा थोड़ा तेज़ ही होता है। 2010 में मुझे पता चला थ्रू मतलब रेडियो कि मतलब एक सॉफ्टवेयर है जाज आता है कंप्यूटर के लिए या टॉक्स बैक फ़ोन्स के लिए, जिसके ज़रिए आप रीड कर सकते हैं, मतलब विजुअली इम्पेयर स्टूडेंट्स स्टडी कर सकते हैं विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। इसलिए 2-3 साल मैंने पढ़ाई जो छोड़ दी 2-3 साल तक, क्योंकि नॉट बिकॉज ऑफ क्रिटिसिज्म, ये तो पता ही है कि क्रिटिसिज्म हर किसी के लिए होता है यहाँ पे, जो भी इंसान है चाहे कितना भी परफेक्ट हो दूसरा कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म करता ही रहता है। लेकिन मसला ये था कि फैसिलिटी नहीं थी, मतलब फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, जैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी में यहाँ स्पेशल सेल जो है वो 2008 में बनी, तो एडिटिंग मोड में जाके तो इसमें जो इसका टॉक बैक है वो इसको रीड आउट करेगा, मतलब जो इसमें लिखा हुआ है जो टेक्स्ट इसमें चैप्टर लिखा हुआ है, हम अपनी मेमोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुझे किसी पे फ़ोन करना है, आप सपोज़ अस्मा पे फ़ोन करना है, तो मैं सीधे डाउन एरो करके मैंने मतलब मेमोराइज किया है, तो पहले ए का अल्फाबेट दबा के एक बार, फिर एस में मतलब 7 का 4 बार PQRS, फिर मुझे याद है कि इसमें जो है अस्मा का कॉन्टैक्ट आएगा, तो सीधे ही मैं उसको फिर इस बटन को दबा के सीधे कॉल कर सकता हूँ।